सर जय श्री राम भाई साहब सबको। ये अपने संतोष भाई पॉलिश चढ़ा रहे हैं अभी, इस पर पॉलिश और कलर दोनों साथ ही चढ़ रहे हैं। पॉलिश मार के फिर इस पर मशीन चलाई जाएगी, मशीन चलाने के बाद फिर फाइनल होगा, वो भी अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो आज हो जाएगा, क्योंकि कलर चढ़ाने में ही टाइम लगेगा, इसकी पैकिंग करनी है, हर चीज़ होगी इस पर। ये सारे पल्लों पे कलर चढ़ेगा, चौखट पे भी, अभी तो ये ग्रुपों की कलर भरा जा रहा है, ये देखो इस पर कलम्बुरस लाएंगे, एक कलम्बुरस से भर दिया इसका ग्रुप, क्योंकि क्या है ना, हाथ से कलर तो बाहर की साइड लग जाएगा पर अंदर की साइड नहीं जाता ना, इसलिए कलम्बुरस से भरा जाता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना साइड साइड में, आपको लगता है कि ये ख़राब है, तो इसको पोंछ देंगे, ये देखो ये कलर होता है, एशियन का कलर होता है, ये बन के आता है, ये देखो अभी देख रहे हो चौखट कैसी है, उसके बाद कलर चढ़ने के बाद देखना कितनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी इस पर, ये देखो ये देखो। और सबसे बड़ी बात इस पर ना हाथ संभालने की होती है, क्योंकि एक हाथ लगाया तो ऊपर से नीचे तक ही कलर चढ़ता है, अगर बीच में छोड़ दिया तो इस पर जॉइंट आ जाएगा, जॉइंट आ जाएगा वो मशीन चलेगी उस पर अलग दिख जाएगा, ये देखो पूरा हाथ नीचे तक लाना पड़ता है, ये गया ना पूरा, एक पल्लों पर कलर चढ़ गया है। अब इस पर मशीन चलानी है, ये फ्रंट डोर का है, बैक साइड से भी हो गया। अब पैकिंग करते हैं, पहले तो पैकिंग करेंगे उसके बाद मशीन चलाएंगे, ये देखो चौखट वगैरह सारी सब पे कलर चढ़ गया, सब पे ए टू जेड, बस इसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद, क्योंकि मशीन चलेगी तो साइडों पे ना उसका रफ गिरे, इसलिए पैकिंग की जाती है, ये देखो ऐसे पैकिंग होती है इसकी, क्योंकि वाइट साइड वाइट है ना, तो ये कलर मारेंगे जैसे मशीन से तो उस पर चला जाएगा, तो फिर वो बाद में छूटता नहीं है, मिलामिन का माल है वो, ये देखो इसकी पैकिंग ऐसे होती है। अखबार पहले टेप लगा दिया, टेप के बाद फिर अखबार चिपकाएंगे, कुछ नहीं ये देखो सब चौखट की पैकिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ पल्लों को छोड़ के, अगर पल्ले भी इस पर लगे होते चौखट पर तब जाके पल्लों की भी पैकिंग होती साइडों से, पर अभी फ़िलहाल उन्होंने चढ़ाए नहीं है पल्ले, तो सिर्फ चौखट चौखट की पैकिंग होगी, ये देखो सारी चौखट की कर रखी होंगी, जहाँ जहाँ ज़रूरी लगा वहाँ वहाँ पैकिंग करी है, ये देखो यहाँ पैकिंग चल रही है। अब माल बनाएंगे, ये मिलामैन का माल है, ये थिनर है पीयू का, ये देखो पीयू थिनर है क्योंकि इसमें पक्का चलता है, ये इसका हार्डनर हो गया, हार्डनर क्या होता है ना, हार्डनर टाइट हो जाता है जल्दी, अगर जैसे चलाएंगे मशीन तो माल गिरते ही टाइट हो जाएगा, ये मिलामेंट डाल रहे हैं, मिलामेंट का मैट में, ये बस हमारी ना मशीन चल जाए सही से, क्योंकि मशीन ना आजकल ख़राब चल रही है, उस दिन भी हमने चलाई थी तो वो ख़राब हो गई थी बीच में, पूरा माल ख़राब हो गया, क्योंकि बताया नहीं ना हार्ड ना डाल देते हैं तो फिर वो जाम हो जाता है, अगर उसी टाइम ना चलाओ इसको तो। ये हार्डनर अलग से आता है, थिनर भी अलग से आता है, मिलामेन अलग आता है, ये देखो बस इतना ही थोड़ा सा ही डाला जाता है इसमें, अब इसको मिलाएंगे, ये देखो इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इसका, ये थिनर डाला है इसका, ये 4 लीटर में भी आता है और उसमें भी आता है 20 लीटर में भी, हमारे यहाँ काम सारे एकदम फाइनल पे ही मतलब होता है, ये देखो एशियन कंपनी का थिनर चल रहा, नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि कोई लोग
ऐसे कच्चा थिनर भी डाल देते हैं, लूज जिसको बोलते हैं, कि जो 60-70 रुपए लीटर आता है, ठीक है। और ये महंगा पड़ता है, ये 3 लीटर 4 लीटर के समथिंग आता, हुई 1100 का आता है 3 लीटर। ये देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके रेट, देखो 1068 हैं MRP, 350 रुपये पर लीटर आता है। ये अपनी गन पड़ी हुई मशीन की, अब इसकी जो साइडों की जो नीचे की मिट्टी वगैरह होती है ना, वो इसी से प्रेशर से हटा देंगे, क्योंकि अगर मशीन चलाएंगे ना तो यही रफ उड़ के पल्लों पर बैठेगी, तो भी फिर फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें, इसलिए पहले नीचे की मिट्टी सारी हटानी पड़ेगी। ये देखो, ये माल वो कर दिया, अब इस पर कपड़ा लगा के डालेंगे। ये लो, मशीन की ऑटोमेटिक गैस निकल गई, ये बंद भी हो गई, ये देखो। अरे यार, अब इस पर ये खोलेंगे, इसको ऑयल चेक करेंगे, ऑयल वगैरह डाल के, क्या पता यहाँ ये जो पंखी है ना, ये क्या पता कई बार जाम हो जाती है, क्योंकि ये धूल मिट्टी उड़ती रहती है ना, तो अभी देख रहे हो कितनी मिट्टी जमी हुई है, देख रहे हो इसको, ये कई बार जाम हो जाती है, जाम हो जाती है तो फिर ये राउंड नहीं करती, राउंड नहीं चलती करती तो ये मशीन नहीं चल पाती फिर। अब इसको डालना पड़ेगा यार इसमें ऑयल वगैरह, अगर चल गई तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो क्या, फिर माल बर्बाद जाएगा। ये देखो, बहुत दिक्कत होती है यार इस मशीन में, भाई साहब को भी बोल रखा कि नई लानी है, पर वो ला ही नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। इस पर भी अभी ऑयल डाला जाएगा, सीधी करो इसको, करो ना यार सीधी तो करो इसको, तब तो पता चलेगा। ये देखो कितना ऑयल नीचे गिर गया, ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है ना, यही ऑयल पड़ा हुआ है, और बीच की ये लाल बिंदी पे बीच में चलेगी। चलो शुक्र है मशीन तो चल गई, अब यार माल बनवा के डालो यार इसको, फटाफट निपटा इसको। सारा छान के भरना पड़ता है पूरा, इसको ढक्कन लगाया, ढक्कन लगाने के बाद चलते हैं डालते हैं। चलिए इसी में डालेंगे ग्रुप वाले में, इस पर मिलामेंट डल रहा अपना, अभी देख रहे हो अभी कलर क्या है, और जब भी मशीन चल जाएगी ना इस पर मिलामेंट डल जाएगा, तब आप देखना, तब खिल के कलर आता है इसमें। ये देखो अलग ही चमक आ रही है, सर जी पल्ले तो इतने बढ़िया हो जाते हैं कि फेस देख लो आप, इसका चेहरा देखने लायक कर देते हैं। आगे देख लो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ये काम तो हमें ही पता है कि कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए। नहीं देखो, देख रहे हो कितनी चमक आ गई है, ये चौखट पर डल रहा है, यहाँ पर चौखटों पर भी डालना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ना ये फेस क्यों इसने लॉक कर रखा है, मतलब बांध रखा है, तो हम लोग तो ऐसा कि हमारा तो काम ही यही है, अगर आप एक मिनट भी इसके साथ रहना पालोगे ना, तो फिर पता चलेगा आपको कि किस लिए बंद कर रखा हमने, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो
बहुत गंदी होती है, मतलब फेफड़ों पे असर करती है डायरेक्ट। और वही है ना, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखते हैं, फाइनल देखते हैं आपको कैसा लगता है। देखोगा, ये फाइनल पल्ला हो चुका दरवाजे का। ये देखो, ये आपका सारा फाइनल हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।